चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इन इन एपी, इस पे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और ये आपका टॉपिक बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। तो वो ज़्यादा समय नहीं लगे इसके लिए हम लोगों को ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसको जानना ज़रूरी है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि तीन नंबर एपी में है और उनका प्रोडक्ट ये दिया गया है, तीन नंबर एपी में है और उनका जोड़ ये दिया गया है, उनका प्रोडक्ट इतना दिया गया है। तो उस केस में अगर आप एपी को जनरल वे में आप ऐसे मान लो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि ऑड टर्म सेलेक्शन कैसे करते हैं। अगर तीन टर्म सेलेक्ट करना हो, पांच टर्म सेलेक्ट करना हो, फिर इवन टर्म का सिलेक्शन अगर करना हो, जैसे चार टर्म अगर एपी में सेलेक्ट करना हो, छः टर्म सेलेक्ट करना हो, तो कैसे करेंगे। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑड टर्म सिलेक्शन में आप ये जान लीजिएगा कि सबसे पहले ऑड टर्म में मिडिल टर्म मानना है आपको। ऑड टर्म में क्या मानना है, सबसे पहले मिडिल टर्म, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को मान लेना है। तो मिडिल टर्म मान लीजिए आपका ए हो गया, और इसके बाद आप इधर की ओर जाइएगा तो आप प्लस डी करते जाइएगा, और इधर की तरफ बढ़िएगा जब आप तो माइनस डी करते जाइएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले, अगर हम आपसे बोले कि अगर मान लीजिए आपको तीन टर्म सेलेक्ट करना हो, तो सबसे बीच में आपका ए हो गया, फिर हम बोलेंगे कि तीन को टर्म है तो इसमें तो एक ही ना हुआ, तो एक आप इधर करिएगा माइनस डी करके, ए में माइनस डी करिएगा तो क्या बन जाएगा, ए माइनस डी, फिर उधर जाइएगा तो ए प्लस डी। अब मान लीजिए कि आपको पांच को टर्म सेलेक्ट करना हो, तो ठीक बीच में मिडिल टर्म आपको ए रखना है, इसके इधर एगो आना है ए माइनस डी, एक उधर जाना है ए प्लस डी। अभी तीन ही तो हुआ, तो पाँच को करना है तो अब फिर डी घटाइए, एक डी और घटाइए तो ए माइनस डी था, फिर एक डी घटाइएगा तो ए माइनस टू डी हो जाएगा, और ये इसमें डी जोड़िएगा क्योंकि उधर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इंक्रीज डी, इधर डिक्रीज डी, तो इधर हम क्या कर देंगे, ए प्लस टू डी। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमको सेवन टर्म को सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करने वाले हैं, समझ में आ गई बात। इतना तो लिखेंगे, बीच में ए लिखेंगे, फिर ए माइनस डी, फिर ए माइनस टू डी, फिर ए माइनस थ्री डी, फिर एक उधर भी लिख देंगे ए प्लस थ्री डी, तो हो गए तुम्हारे, समझ रहे बात को, बोलो। चले तो ऑड टर्म का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करते हैं, ये मिडिल टर्म ए मानते हैं, माइनस डी घटाते हुए प्लस डी जोड़ते हुए। अब नीचे बढ़ रहे हैं, इवन टर्म सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, चार टर्म सेलेक्ट, इसका अलग नियम है, इसका ये नियम नहीं है कि आप पहले a माइनस डी मान लो फिर a प्लस डी करते जाओ, ऐसे नहीं है कुछ। इसमें है कि सबसे पहले मिडिल टर्म दो ठो होंगे, आपको भी पता होगा कि अगर चार को टर्म है तो ठीक बीच वाला टर्म का हो पाएगा कभी, बोलो। चार को टर्म है तो ठीक बीच वाला कहाँ हो पाएगा, दो को इधर छोड़ोगे दो को उधर छूट जाएगा, तो एक्चुअल में मिडिल टर्म इसमें दो ठो होंगे, मिडिल टर्म इसमें दो होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो मिडिल टर्म आपको मानना है वो मिडिल टर्म आपका यहाँ पे दो ठो होगा, एक होगा a माइनस डी और एक होगा a प्लस डी, याद रखिएगा। दो गो मिडिल टर्म होगा, एक होगा आपका a माइनस डी और एक होगा a प्लस डी। हाँ, तो क्या बोले हम कि मिडिल टर्म आप दो मानिएगा, a माइनस डी और a प्लस डी, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी नहीं होगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी कि आप जो आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे उसमें आपको 2d जोड़ना होगा प्लस 2d, और जो इधर की तरफ आप बढ़िएगा उसमें आपको माइनस 2d करना है। ध्यान रखिएगा, मिडिल में आपको a माइनस डी मानना है, a प्लस डी मानना है, दो ठो उधर की ओर बढ़िएगा तो प्लस 2d और इधर की तरफ माइनस 2d। ध्यान रहे कि जब ऑड नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका, है ना, कॉमन डिफरेंस वो आपका केवल डी होता है, जबकि अगर आपका इवन टर्म ऑफ सिलेक्शन होता है तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो होता है वो डी टू डी होता है,
है ना, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है आपका, वो आपका 2D होता है। तो अब ज़रा बताइए कि अगर आपको, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो अगर ये भी हमारा एपी का एक टर्म है, सुनना ध्यान से, ये भी एक हमारा एपी का टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म इसी को मान लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2D आना चाहिए। आप घटा के देखो, इसमें से इसको घटा के देखो, ए प्लस डी है दूसरा टर्म और माइनस ए माइनस डी है। जब ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो सॉरी ए और ए कट जाएगा, तो प्लस डी और प्लस डी 2D बन जाएगा। तो एक्चुअली ये कॉमन डिफरेंस ही तो था। तो ध्यान रहे कि जब इवेंट टर्म ऑफ सेलेक्शन होता है तो 2D की जोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं और 2D घटाते हैं पीछे बढ़ते हैं। तो अब ज़रा बताओ कि चार को टर्मों को सेलेक्ट करना होगा तुमको, तो सबसे पहले तो ए माइनस डी लिख देना है तुम्हें और ए को लिख देना है ए प्लस डी। अब ज़रा बताओ कि अगला क्या होगा, अगला क्या होगा बताओ आप। ए प्लस डी में 2D जोड़ दो, तो ए प्लस डी या प्लस 2D क्या बन जाएगा, ए प्लस 3D। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? और ये डी में जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस 3D, ए माइनस 3D। फिर चार टर्म का सिलेक्शन हो गया आपका। अब मान लीजिए आपको 6 टर्म का सिलेक्शन करना हो एपी में, तो 6 टर्म का सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओ मिडिल टर्म क्या मानोगे आप, ए माइनस डी मानोगे और ए प्लस डी मानोगे, दो गो तो हो गया यही। अब अगला टर्म अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आपको याद है ना 2D जोड़ना है इवेंट टर्म के केस में, 6 मानना था तो 2D जोड़ो, तो डी में आप 2D जोड़ोगे तो 3D बनेगा। एक इधर भी बढ़ाओ पहले, तो एक इधर बढ़ाओगे तो ये घटाना है, तो ए माइनस 3D होगा, 4 हो गया। अब इधर एगो जोड़ो क्योंकि हमको बराबर रखना है, तो इधर 5D हो गया और इधर एगो जोड़ो घटाओगे और 2D, तो ए माइनस 5D होगा क्योंकि 2D घटाना है। तो इस तरह से हम लोग इवेंट टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और इस तरह से ऑड टर्म का सिलेक्शन करते हैं। अब इसके बेसिस पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, देखोगे इसी के बेसिस पे आपका बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्वेश्चंस भी हम कराते हैं 2-4 आपको, ताकि आपको फील हो कि नहीं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसको आप प्रिंट कर लीजिए, ये थ्योरी।